ओ, तो हमने सर्बियन डांसिंग लेडी को कमरे के अंदर लॉक कर दिया और डरने की कोई भी बात नहीं है। चलो जल्दी से चल के सोते हैं और सुबह पुलिस को बुलाएंगे और इसको पुलिस के हवाले कर देंगे। अरे मैं आज के थक गया, चलो सो जाता हूँ। अरे चलो चल के सो जाते हैं, कल सुबह हमने सर्बियन डांसिंग लेडी को पुलिस के हवाले भी करना है। अरे कितना आरामदायक बैठा है, नीचे सो जाता। अबे ये क्या कर रहा है, फिशिंग रोड लेके क्यों सो रहा है तू? वो मेरे सपने में एक मछली आती है, इस बार तो पकड़ के रहूंगा। हैं, सपने में मछली आती है? अबे ये बिल्कुल पागल हो गया। और ये नीचे क्यों सो रहा है? अबे तूने हाथ में फ्लिंट क्यों पकड़ रखा है? आलू के जैसे मेरे सपने में भी एक लकड़ी आती है, इस बार तो जला के रहूंगा। अबे क्या ये दो नमूने हैं? चलो यार मैं तो सो जाता हूँ। अरे यार नींद नहीं आ रही, फोन चला लेता हूँ थोड़ी देर। है फोन कहाँ गया मेरा? अबे मेरा फोन चोरी करते ये दोनों ने बेच तो नहीं दिया मेरा फोन? कल रात कहाँ रखा था? मेरे टेबल पे ही तो रखा था। अबे मैंने गेम खेल लिया, क्या करूँ? देखो खिड़की के बाहर उड़ तो नहीं रहा हवा के अंदर? नहीं, शायद ना मैंने, हाँ दूसरे वाले कमरे में रह गया होगा। याद करने की कोशिश कर तुषार, तेरा बड़ा दिमाग है। चलो जल्दी से बाहर चल के देखता हूँ। फोन किधर है तू? टेबल पे खा रहा तो नहीं? खा रहा नहीं, इधर तो है नहीं। ओए फोन किधर है? इधर देखो, सोफे पे तो नहीं बैठा? नहीं, इधर भी नहीं है। कल रात मैंने अपनी नाक की फोटो खींची थी, उसके बाद मैंने कहाँ रख दी? ये सर्वेंट डांसिंग लेडी तो नहीं चला रही मेरा फोन? ये साथ वाले कमरे में? अबे नहीं नहीं ये तो टॉयलेट है, फोन टॉयलेट में क्या करेगा? इधर ही देखता हूँ। अबे ये सर्बियन डांसिंग लेडी तो गहरी नींद में सो रही है। अबे हाँ याद आ गया, मैंने इसकी ही तो वीडियो बना के नेट पे डाली थी। अरे यहीं पे तो नहीं रह गया फोन, या इसने चोरी कर लिया? चाबी किधर गई? हाँ मेरे पास ही है, जल्दी से अंदर चल के अपना फोन ढूंढ के जल्दी जल्दी बाहर आ जाऊंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे बिल्कुल ध्यान से जाना पड़ेगा, कहीं ये उठ ना जाए और फिर मेरे को ना उठा दे। मेरा फोन किधर है तू? हिंचक पूजा के गाने सुनने हैं मैंने फोन। अबे तेरे पास तो नहीं है फोन? कहीं मेरे फोन के अंदर मेटो पार्टी कर रही थी, गाना सुन रही हो? हाँ बिल्कुल, पंगे मत लियो मेरा फोन। अबे अरे ये तो पड़ा सामने, दिखता भी नहीं है, ये बता भी नहीं रही कि मेरा फोन सामने पड़ा है, तो उठा लूं मैं? हाँ 2 फुट और ऊपर रख देते। अब मिल गया, चलो अब जल्दी से इसके अंदर मैं खेलने वाला हूँ सबसे खतरनाक वाली गेम, जिसका नाम है लूडो। जल्दी से देखता हूँ। अबे ये किसका मैसेज आ रखा है? चलो जल्दी से बाहर चल जाता हूँ, चलो जल्दी से मैच स्टार्ट करता हूँ। अबे यार मेरे तो बाल दुख रहे हैं, मैं ऐसे नहीं खेल सकता, ऐसा कर तो बेड के ऊपर लेट के खेलता हूँ। अबे हटो, मेरे को नीचे सुला देते हर बार। ये क्या हो रहा है? अबे आवाज कैसी आ रही है, और मैं ये हिल क्यों नहीं पा रहा? चलो यार सोने दो, वैसे ही बहुत ज्यादा थक गया हूँ। ये क्या है? अबे वो कौन है सामने? अबे ये क्या है? कौन है तू? और मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? अबे ये तो हिल है। बचाओ मेरे को। अबे क्या हो गया, क्या हो गया, कौन सी नदी में डूब रहे हो? अबे वो सर्बियन डांसिंग लेडी दिखी अभी मेरे को। लेकिन उसको तो तुषार ने कमरे में बंद कर दिया। हाँ फिर भी तुषार किधर है? अबे तुषार कहाँ गया? बाथरूम गया होगा। लेकिन इतना अंधेरा क्यों हो रखा है घर के अंदर? क्योंकि रात हो रखी है। अबे तो घर की लाइटें क्यों बंद हो रखी है? तुषार को ढूंढ जल्दी से। और मैंने देखा कि सर्बियन डांसिंग लेडी हमारे बेड के सामने खड़ी होकर नाच रही थी, जबकि वो तो इस रूम के अंदर लॉक्ड है। अबे इतना ज्यादा अंधेरा है, वो कर क्या रही है? अबे दरवाजा खुला है? दरवाजा खुला कैसे? इसकी चाबी तो सिर्फ तुषार। सर्बियन डांसिंग लेडी यहाँ पे नहीं है। लॉक भी खोला था बिना चाबी के। अबे उसकी चाबी तो सिर्फ तुषार के पास थी, तुषार भी नहीं मिल रहा, और वो भी पता नहीं कहाँ चली गई उठ के। लगता है तुषार सर्बियन डांसिंग लेडी के साथ मिला हुआ है। अबे वो ऐसा क्यों करेगा? लेकिन उसने इसका लॉक क्यों खोल दिया? मेरे को तो समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। चला जल्दी से तुषार को ढूंढते हैं। अबे ये रहा ओ है, भाग यहां से, ये तो वही सर्बियन डांसिंग लेडी है। जल्दी चल, कहां जाऊं? हां यहां पे टॉयलेट। अबे ये तो यहीं पे आ रही है। अबे इसके हाथ में चाकू है, अभी हमको मारेगी। भाग यहां से आलू। अबे आलू किधर चला गया? बचाओ। अबे क्या हो गया, क्या हो गया? अबे उसने आलू को पकड़ के मार तो नहीं दिया कहीं? तुषार भी पता नहीं किधर है, और मैं यहाँ पे अकेला रह चुका हूँ। क्या मैं जाके देखूँ? अबे मेरा गला पकड़ लिया इतनी जोर से, छोड़ मेरे को, छोड़। हेलो,
अबे तू तो कह रहा तेरा गला पकड़ लिया उसने। अरे मैंने सोचा थोड़ा डरावना माहौल बना हुआ तो। फिर बिल्कुल गधे वाली बातें करता है तू। और तुषार कहाँ पे है पता है तेरे को कुछ? नहीं। तो चला जल्दी से उसको ढूंढते किधर है वो। ये देखिए वाले कमरे। अबे सरवेंट डांसिंग। हेलो। अरे ये डांसिंग लेडी नहीं डांसिंग लेडा है। अबे तुषार ये तू क्या कर रहा है? ये इसके अंदर फंसा हुआ है और ये क्या कर रहा है? अरे इसको इससे निकालना पड़ेगा। ए मछली बाहर आ। अबे तुषार नाच क्यों रहा है? हाथ तो बंद कर ले अपने। अरे मैं नाचना नहीं चाहता लेकिन पता नहीं कौन सी खुशी चढ़ी हुई है मैं अपने हाथ ही नहीं रोक पा रहा। चला जल्दी से पहले यहाँ से बाहर निकल उसके बाद देखते हैं तेरा इलाज करवाते हैं। अरे पहली बार मैं नाच रहा हूँ मेरी वीडियो बना। अबे ये सब हरकतें मत करो चलो जल्दी से बाहर। वो लेडी भी यहीं पे घूम रही है पता नहीं कहाँ होगी। वो तो घर से बाहर चली गई है। वो घर से बाहर चली गई। अच्छी बात है हम बाहर नहीं जाएंगे हम ना सीधा ऊपर चलते हैं अपने रूम के अंदर। चलो जल्दी से ऊपर आओ। ये तो यहीं पे है। धोखा। अबे ये अलमारी के अंदर छुपो आके। आलू पागल है कह रहा कि घर से बाहर चली गई। अलमारी के दरवाजे बंद कर दो। अरे रुको मेरे को तो आने दो। हाँ बंद कर दो छुपा छुपाई खेलते हैं। हाँ और एक बार अगर तू पकड़ा कह रहा है दोबारा बारी भी नहीं आएगी तेरी। अबे तुषार क्या हवा में तैर रहा तू? अरे मैं तैरना तो नहीं चाहता लेकिन पता नहीं क्यों मेरे हाथ चल रहे हैं और एक तो ये ट्यूनिंग सी चल रही है अजीब सी। अबे चुप। जीत गए हम जीत गए। अरे मैं नाचना नहीं चाहता लेकिन एक गाना सा बज रहा है इसकी वजह से मैं अपने आप नाच रहा हूँ। है कौन सा गाना? हमको तो सुन नहीं रहा। अरे जब मैं नाच रहा था ना तब मेरे को भी सुन रहा था वो वाला गाना। हाँ अबे ये हड्डियाँ टूटने की आवाज कहाँ से आ रही है? अबे ये कमजोर से अलमारी के अंदर तीन लोग घुस रहे हैं। अभी क्या टूटा? अबे तुम दोनों नीचे तो चले गए मैं भी आ जाता हूँ। अबे पागल तू क्यों नीचे आ गया? और ये कौन सी जगह पे आ गया? हम तो अलमारी में थे। हैं ये क्या? ये तो पिछले कमरे हैं। अबे हम बैक रूम्स में कहाँ से आ गए? हमारे घर के नीचे बैक रूम्स है। अरे उस गाने की आवाज यही कहीं से आ रही है। क्या वो वाले गाने की आवाज यही कहीं से आ रही है? रुको वीडियो बना लेता हूँ। गाइस हम बैक रूम्स में आ चुके हैं जहाँ पे आज तक कोई नहीं जा पाया है। अबे हम अपनी हमारी अलमारी के नीचे बैक रूम्स है ये कैसे हो सकता है? अरे गाने की आवाज तेज हो रही है इधर। मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बाहर सरवेंट डांसिंग लेडी घर के नीचे बैक रूम्स और कोई गाना बज रहा है जो कि हमको नहीं सुन रहा इनको सुन रहा है। अरे बहुत खतरनाक स्पीकर है मैं अपने घर लेके जाऊंगा यहीं कहीं से। अरे वो क्या सामने? क्या वहीं से तो नहीं तेरे को आवाज आ रही? अरे दूसरा गाना चलाओ इसके अंदर। अरे हाँ हाँ आवाज तेज हो रही है यहीं से इसकी आवाज कम करो जरा। अरे लेकिन मेरे को तो आवाज आ नहीं रही तुमको कौन सी आवाज आ रही है यहाँ से? अरे जब मैं नाच रहा था ना मेरे को भी आवाज आ रही थी। पता कैसा सा गाना होता है कमरिया पोप लागे है ऐसे गाने पे नाचती है सर पे। अबे ये यहाँ कहाँ से आ गई? अबे वो तो इधर ही आ रही है। लगता है गाने की आवाज बढ़ाने आ रही है भाग जाओ यहाँ से। अबे ये इतना पागल क्यों हो रही है? अबे ये तो पास आ रही है तो दूर थोड़ी ना जाएगी। अरे अब कहाँ भागेंगे पीछे रास्ता भी नहीं है हम तीनों तो मरेंगे। ये बटन दबाने से सीढ़ी निकलती है। ये क्या किया तूने? मेरे बिना गाना सुन रहे थे तो मैंने बंद कर दिया। अरे शुक्र है तूने बंद किया अब मेरा नाचना बंद हुआ। अरे यार हाथ दुखने लग गए। अबे सरवेंट डांसिंग लेडी भी अब डांस नहीं कर रही है एक जगह खड़ी हो गई है तो बिना गाने के कैसे नाच सकती है ये? अरे इसको क्या हो गया? अरे ये थक गए हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कहीं भी आराम करने लगेंगे। ऊपर चलो बेड पे सो जाके। अबे इसको क्या हो गया ये बेहोश क्यों होगी यहाँ पे? बेचारी गाने के बिना नहीं रह सकती। आलू ये तूने क्या किया? ये सब छोड़ो और इसको उठा के लेके चलो ऊपर घर में। अबे ये लोग क्या कर रहे हैं? और सर्वे डांसिंग लेडी भी शांत हो चुकी है। अरे गुड न्यूज है वो वापस से ठीक हो रही है इंसान बन रही है जानवर से। हैं क्या मतलब? वो धीरे धीरे वापस इंसान बन रही है आओ दिखाऊं। तो पहले इंसान नहीं थी वो? नहीं अब वो अपने असली रूप में आई है वापस से लड़की बन चुकी है नॉर्मल। अच्छा ऐसी बात है अब क्योंकि हमने वो वाला गाना बंद कर दिया इसलिए सब कुछ ठीक हो रहा है। अरे ये तो वापस से लड़की बन चुकी है। अरे क्या बात है तो हमने फाइनली इसको बचा लिया तो अब चलो इससे स्टोरी सुनते हैं कि आखिर हुआ क्या था। हाँ बहुत सुंदर लड़की बन चुकी है ये। चल हटना फिर यहाँ से बात तो करने दे मेरे को। अच्छा अच्छा हट रहा हूँ। अबे सॉरी। हेलो सुनिए मेरी बात। हेलो। क्या हो गया मेरी तरफ मत देखो। अबे ये कौन सा प्राणी है? हेलो हमारी बात सुनिए। देखिए मैं ना सर्बिया से आई हूँ और ना मेरे को ना नाचने का ना बहुत ज्यादा शौक था। मैं ना हर चीज पे ना नाचने लग जाती थी। एक बार ना मैं जंगल में घूमने गई वहाँ पे ना पेड़ के नीचे एक बाबा तपस्या कर रहे थे और ऊपर से ना उनके सिर पे एक लकड़ी आके गिरी। ये देख के ना मैं नाचने लगी और उस बाबा को गुस्सा आ गया। उसने बोला कि तू तब तक नाचेगी जब तक इस स्पीकर में गाने चलेंगे और स्पीकर बाबा ने ना कहीं छुपा दिया। अच्छा तो मतलब आपका घर सर्बिया में है तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो इंडिया में? मैं ना स्पीकर को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ गई लेकिन मेरे को वो कहीं मिला ही नहीं था तो फाइनली हमने उस स्पीकर को एंड में बंद किया और
वो पता नहीं कैसे हमारे घर के नीचे आ गया। हाँ, मेरे को पता था वो स्पीकर आपके घर के आसपास है, इसलिए मैं बार बार यहाँ पे आ रही थी। चल चल, बहुत खा पी लिया तूने हमारे घर पे, चल अब वापिस तेरा घर जाने का टाइम हो चुका है। हाँ, तो आप लोग मेरे को वापिस सर्बिया छोड़ दोगे? अबे इसको बत्तख के एयरपोर्ट पे छोड़ के आते हैं, वहीं से अपने आप चली जाएगी। ओके, तो सर्बिया जाने वाली फ्लाइट यहाँ पे आ चुकी है, चलो जल्दी से, तुम्हारा टाइम आ चुका है। ओके, फाइनली इतने टाइम से मैं नाचते नाचते अब जाके ठीक हुई हूँ, और अब मैं वापिस अपने घर जाऊंगी और अपनी जिंदगी दोबारा से जीऊंगी। बाय बाय। हाँ चलो बाय, हैप्पी जर्नी। तो ये थी सर्बियन डांसिंग लेडी की स्टोरी, जो कि एंड में आके एक हैप्पी एंडिंग में खत्म हुई। अबे मेरे से दूर रह। ओके बाय, मैं चलती हूँ। बाय बाय। तो अब सर्बियन डांसिंग लेडी किसी को भी तंग नहीं करेगी, क्योंकि हमने उसको ठीक कर दिया है। बाय बाय।